गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम अनुच्छेद लेखन किस प्रकार लिखना है सीखें, ठीक है। पेज नंबर 125, पेज नंबर 125, ठीक है बेटा। किसी विषय पर मन में आने वाले भावों और विचारों को 8-10 वाक्यों में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। किसी विषय पर मन में आने वाले भावों को और विचारों को 8-10 वाक्यों में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। इसमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1, सारी बातें क्रम से लिखी जाए, सारी बातें क्रम से लिखी जाए। नंबर 2, भाषा सरल हो, कठिन भाषा का प्रयोग करना जरूरी नहीं है, ठीक है। नंबर 3, वाक्य छोटे हों। नंबर 4, किसी बात को दोहराया ना जाए, किसी बात को दोहराया ना जाए, ठीक है बेटा। तो आज हम 125 मेरी दीदी, अनुच्छेद लेखन कौन सा है, मेरी दीदी, आपकी बुक का 125 पेज नंबर। मेरी प्यारी दीदी मुझसे बहुत बड़ी है, बेटा दीदी के बारे में लिखना है ना, वो लिख रहे हैं हम। मेरी प्यारी दीदी मुझसे बहुत बड़ी है, वे कार चलाती है, कार चलाना जानती है दीदी, और कंप्यूटर चलाना भी जानती है, से कंप्यूटर चलाना आता है दीदी को, है ना। पता है मुझे भी बड़े प्यार से कंप्यूटर चलाना सिखाती है, मैंने दीदी अपनी बहन या भाई को कंप्यूटर चलाना भी सिखाती है। तो क्या बोल रहा है, पता है मुझे भी बड़े प्यार से कंप्यूटर चलाना सिखाती है, मेरी दीदी दिन रात किताबों में ही मैंने किताब पढ़ती है। तो मेरी दीदी दिन रात किताबों में ही उलझी रहती है, उलझी रहती है मतलब पढ़ती रहती है ना, ऐसा नहीं कि किताब का वो बहुत उपयोग से पढ़ाई करती है, दिन रात उसको पढ़ती है ना। पर कभी कभी मेरे साथ लूडो, चाइनीज चेकर, सांप सीढ़ी भी खेलती है, ऐसा नहीं कि वो अपने बहन भाई के साथ समय नहीं बिताती है, वो खेलती भी है उनके साथ, है ना। पढ़ाई मैंने वो पढ़ाई भी करती है और खेलती भी है, अपने भाई बहन का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। रजाई में बैठकर उनसे कहानी सुनना मुझे बहुत पसंद है, मैंने वो अपने बहन भाई को ठंड में जब बैठते हैं तो रजाई में बैठकर, ठंड के दिनों में रजाई में बैठकर क्या कहानी सुनाती है, रजाई के अंदर बैठकर अपने बहन भाइयों का मन बहलाती है, बहुत अच्छे से उसको समझाती है कहानी सुना सुना कर, है ना। कितनी अच्छी दीदी है ना। सब दीदी को ऐसे करना चाहिए, दीदी भैया बहन सबको क्या करना चाहिए, अपने छोटे भाई बहनों को सभी बातें समझाना चाहिए, अच्छी बातों का ज्ञान देना चाहिए, ठीक है। बापू की कहानी सुनाते हुए उन्होंने कहा कि हमें सुंदर सुंदर अक्षर लिखने का अभ्यास करना चाहिए, मैंने जब हम लिखते हैं तो हमारी हैंड राइटिंग जो हम लिखते हैं लिखावट बहुत सुंदर होना चाहिए। चाचा नेहरू के बारे में बताया कि वे कोई भी ऐसा काम नहीं करते थे जिसे किसी से छुपकर करना पड़े, जिसे किसी से छुपकर करना पड़े। हमको भी कभी गलत काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। दीदी को सफाई बहुत पसंद है, मैंने दीदी घर की सफाई भी करती होगी, अच्छे से साफ सुथरा रखती होगी, बेटा सभी को अपना घर अपना सामान सब अच्छे से साफ सुथरा और जमा कर रखना चाहिए, आपकी कॉपी किताबों का भी ध्यान आपको अच्छे से रखना चाहिए, ठीक है। उनकी सुंदर मेज देखकर मैं भी अपनी मेज को साफ रखती हूँ, उनकी सुंदर मेज देखकर मैं भी अपनी मेज को साफ रखती हूँ। इसका मतलब दीदी जिस टेबल पर बैठकर पढ़ती है ना,
उसको बहुत अच्छे से सजा कर रखती है। आप लोग को भी जहाँ पर आप बुक रखते हैं, अपने सामान रखते हैं, है ना, जो भी आपका सामान आप रखते हैं, आपको साफ रखना चाहिए, अच्छे से जमा कर रखना चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि उनकी बुक कैसी रखी है, किस प्रकार है, अच्छे से साफ है या अच्छी कवर पे कवर करके रखा है अच्छे से, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सीखा अनुच्छेद लेखन सरल वाक्य में होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं लिखना, छोटा, है ना, कम शब्दों में पूरा लिखना है, माने गागर में सागर बनने के अनुसार, है ना। समझ में आया बेटा कौन सा? 125 पेज नंबर में मेरी दीदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, दीदी की जो तारीफ करी है, सभी बच्चे अपनी दीदी का कहना, बड़ों का कहना मानना चाहिए। ठीक है, मानना है आपको, और आपने पढ़ा बेटा ऐसे ही, चाहे वो किसी के बारे में लिखना पड़े, कभी पुस्तक के बारे में, है ना, इस प्रकार आपको कम शब्दों में पूरा लिखना है। ठीक है, अब हम पेज नंबर 25 में किसके बारे में पढ़ेंगे? कागज का सदुपयोग, सही उपयोग, कागज का सही उपयोग। कागज हमें पेड़ों से मिलता है, कागज हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ों से। आपको पता है अपन पेड़ काटते हैं बेटा, पेड़ अगर हम काटते भी हैं तो हमको दूसरे पौधे, पेड़ पौधे लगाना है, तभी तो हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है पेड़ों से, और हम पेपर भी बनाते हैं, भी आपने पढ़ा ना, कागज हमें पेड़ों से मिलता है, और काफ़ी परिश्रम के बाद इसे कारखानों में तैयार किया जाता है, काफ़ी परिश्रम के बाद इसे कारखानों में तैयार किया जाता है। आजकल इस्तेमाल किए गए कागज को फिर से उपयोगी बनाया जाता है, माने जो कागज हमने इस्तेमाल किया है उसको दोबारा हम तैयार कर सकते हैं कागज बनाकर, इसे रिसाइकल्ड पेपर कहते हैं। हम अपने हाथों से भी पुराने कागज की लुगदी बनाकर फिर से कागज की शीट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, लुगदी मैंने उसको गीला कर कूट कर तैयार किया हो, जैसे हम लट्टू जैसे बनाते हैं ना, इसी प्रकार हम उसको दोबारा नया कागज बना सकते हैं। पुरानी चिट्ठियों और पत्र पत्रिकाओं को ऐसे ही कूड़ेदान में ना डालकर अलग डब्बे में एकत्र किया जाए तो हम उससे फिर से काम करने योग्य कागज बना सकते हैं। जैसे अपने पास चिट्ठी आती है, पत्र आते हैं, है ना, अपने इनविटेशन कार्ड आता है शादियों के, इनको अपन फेंके नहीं, उसको इकट्ठा कर नए कागज बना सकते हैं, है ना, और पुराने कार्डों और डिब्बों से भी फूलदार नए कार्ड, खिलौने आदि बनाकर मित्रों को भेंट में दे सकते हैं। हमें बेकार में कापियों से कागज नहीं फाड़ने चाहिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ लिखा और फाड़ कर फेंक दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें कागज का सदुपयोग करना चाहिए। आप थोड़ा सा लिखते हैं, फिर उसको गूट गान के माने उसमें पेंसिल से काट कर फिर आप क्या करते हैं, दूसरा कागज उठाते हैं। बेटा इस हमें बहुत मुश्किल से कागज मिलता है, पेड़ों से हमें कागज मिलता है, है ना, उसको काट कर फिर तैयार किया जाता है, आपने पढ़ा ना। तो अब अगर आप फाड़ते भी हैं तो उस कागज को फेंकना नहीं, उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, है ना। कागज के हर भाग का प्रयोग कर लेने से हम कागज को बर्बाद करने से बचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसका प्रयोग हम सही रूप से करेंगे तो क्या हो सकता है, कागज की बर्बादी से बच जाए। और जैसे पेड़ों से बनता है तो हमको पेड़ काटना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर अपन कागज़ का सदुपयोग करें, आपको समझ में आया है ना, फूलदार इस प्रकार के पुराने से नए कागज, है ना, डब्बे, कार्ड, खिलौने आदि सब बन सकते हैं, बस
आपको ध्यान रखना है कि कागज़ का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया? ठीक है ना, बहुत अच्छे से पढ़ना है बेटा। अनुच्छेद लेखन इस प्रकार लिखते हैं, आपको समझ में आया? ओके बेटा, बाय।